वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स, आई एम फौजी कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की हिंदी व्याकरण, और आज का हमारा विषय होने वाला है संदेश लेखन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संदेश लेखन है क्या, संदेश लेखन किसे कहते हैं, संदेश लेखन करने के पीछे क्या कारण होता है, और संदेश लेखन के कितने प्रकार होते। उसके बाद हम देखेंगे कि संदेश लेखन जब हम करते हैं, जब हमें लिखना रहता है, तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि वो अच्छा भी लगे, और कैसे लिखना चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहला होगा हमारा आज का टॉपिक, वो होगा कि संदेश लेखन किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि संदेश लेखन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि यहाँ है संदेश लेखन, तो संदेश लेखन है क्या, क्या होता है संदेश, मतलब आप स्कूल्स में देखे होंगे ना, स्कूल में अगर आपकी कल छुट्टी है तो या तो आपके नोटिस बोर्ड में लिख दिया जाता है कि हाँ छुट्टी है इतने से टाइम तक, या फिर अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स होने वाली है या फिर कोई कंपटीशन होने वाला है, तो वो भी संदेश के माध्यम से दिया, मतलब आपको संदेश दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है ये चीज़ें इतने टाइम पे होने वाली है, यहाँ होने वाली है, तो इस तरह की बातें की जाती हैं। और संदेश लेखन भी क्या होता है, बहुत प्रकार का रहता है वो भी। हम क्या कहते हैं, हर जगह आप देखेंगे आपको बहुत टाइम पर कभी कभी प्रिंट मिलती है ना, कागज़ में लिखा हुआ रहता है, कोई प्रिंट करवा के देता है, आप कभी रोड में हो तो वहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे संदेश दिया जाता है। कई होता है जो सरकार की तरफ से हमें मिलती है, जैसे रक्तदान करना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेडिकल चेकअप हो रही है तो उसके भी क्या दिया जाता है, हमें संदेश दिया जाता है, हमें पहले बताया जाता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ होने वाली है, हमें बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या रहता है, उसमें ये भी टाइमिंग भी दिया जाता है कि हाँ इतने इतने टाइम पर होगा, इस दिन होगा, ठीक है। तो इस संदेश क्या है कि किसी को कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, तो वो जब बताने रहता है, जब किसी को बताना रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक संदेश देते हैं। जैसे अगर आपके आपके फ्रेंड की बर्थडे है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा, किस तरह से बताता है, आपको इनविटेशन कार्ड भी दे सकते हैं, या फिर आपको बोलता है, बोलता भी जो है, तो वो भी तो एक संदेश है ना, क्योंकि वो तो आपको बता रहा है कि हाँ इस टाइम पे आना है, ये करना है, तो वो क्या होता है, संदेश लेखन होता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, मनुष्य क्या है, वो हर चीज़ जानना चाहता है, मतलब जो भी चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, तो ये सारी चीज़ मनुष्य जानना चाहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है, वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहते हैं, वही है, वो तरह तरह की जितनी भी जानकारी मिल रही ना, वो सब चीज़ लेना चाहता है, वो जानना चाहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, संदेश लिखते हैं, ठीक है, संदेश दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये होने वाला है, या फिर ये होगा, तो आप आइएगा, इतने टाइम पर आइएगा, तो वो हम किसके माध्यम से करते हैं, संदेश के माध्यम से करते हैं। उसके बाद है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब क्या होता है, मनुष्य रहता है, उसको कोई सूचना मिलती है, ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई भी एक पेपर मिल गया, और उसमें प्रिंट किया हुआ रहे कि हाँ ये कोई चीज़ का संदेश है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, कि यहाँ मिलने वाली कोई सामान मिल रही है, या फिर गरीबों को रक्तदान करना है, इस तरह से कुछ संदेश जब आपको मिलता है, तो आप क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो, मतलब खुद भी लेते हो और किसी दूसरे को भी बताते हो, अगर कोई चीज़ अच्छा रहता है तो बताते हैं हम दूसरे को भी, तो वो क्या होता है, आदान और प्रदान करना। उसके बाद इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएँ भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती है। सरकारी मतलब सरकार की तरफ से भी हो सकता है, कुछ स्कूल्स में भी हमें मिलते हैं, और कुछ क्या होता है, एक दूसरे को भी हम देते हैं, जैसे आपके कोई फ्रेंड है, आप उसे भी कर किसी चीज़ में बुलाना है, किसी चीज़ के बारे में सूचना देना, तो आप उसे भी देते हो, तो ये क्या होता है, सरकारी भी होता है, सरकारी ऑफिसर जो रहते हैं, अगर आप चल जाओ तो वहाँ भी नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ रहता है। आप तो अपने स्कूल्स में देखे हो कई सारी नोटिस लगी हुई रहती है ना, जब रहते एग्ज़ाम्स के बारे में भी जब बताया जाता है, तो वो नोटिस हमें लिखा, या तो फिर आपके डायरी में मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद है हमारा, जन साधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर ऐसा करती रहती है। वो क्या होता है, समय समय पर, मतलब हर किसी को जानकारी देना है, अगर कोई चीज़ हो रहा है, जैसे मैं बोली ना रक्तदान करना है, या फिर कोई भी एक लगा दिया जाए, किसी भी संदेश देना है, कुछ गरीबों की मदद किया जा रही है, फ्री में लंगर भी होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसके भी संदेश दिया जाता है, लंगर करवाया जा रहा है, इतने टाइम पर आ पाए, तो वो भी क्या होता है, एक संदेश दिया जाता है, एक संदेश के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है हमारा, इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप से पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, एक तो बोल, लेकिन सूचना लेखन, लेखन से ही हमें समझ में आ रहा है, मतलब लिख कर,
तो उसे आपकी जो आएगी एग्जाम्स पे तो लिखने ही आएगा, आपको बोलना तो नहीं चाहेगा ना उसमें, आप बोल के तो नहीं लिख कर सकते हो, लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सूचनाओं को लिखते हैं, उसे हम कैसे लिखते, किस तरह से लिखते, तो वो भी हम देखेंगे। तो क्या होता है, सूचना जो होता है लिखित रूप में, मतलब लिख कर दिया जाता है। सूचना लेखन के माध्यम से जन साधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है, मतलब वो डायरेक्ट, अगर मैं हूँ, मुझे सूचना देना है कोई भी चीज़ के बारे में कि हाँ यहाँ पास में ये चीज़ हो रहा है किसी के भी बारे में, तो मैं क्या करूँगी, लिख कर दे दूँगी। तो अगर मैं काफ़ी लोगों को दूँगी ना, लेकिन मैं एक ही लिखूँगी तो सबको सूचना मिल जाएगी उससे। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम से अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएँ पहुँचाई जाती है। तो क्या होता है, इसमें विज्ञापन जो होता है, विज्ञापन क्या है? मतलब किसी चीज़ का जो विज्ञापन, तो उसमें तो खर्चा होता है ना, खर्चा दिया जाए। लेकिन सूचना लेखन में क्या होता है, सूचना मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना, कोई चीज़ हो रहा है किसी भी, अगर आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है या फिर कुछ भी है, तो सूचना देते हैं, उसमें कम खर्चा होता है। क्यों, कैसे होता है, क्योंकि उसे सिर्फ हम लिख कर, और उसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि हम उसे थोड़ा सा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में लिखना नहीं होता हमें, हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो बात है, जैसे अगर आप किसी को बुला रहे हो तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे कि हाँ इसमें मेरी बर्थडे पार्टी है, या फिर आप बहुत सारी ऐसी भी सूचनाएं देखे होगे कि जो हमारे पीएम की तरफ से आती है, अगर गणतंत्र दिवस है या फिर कोई चीज़ उसकी भी शुभकामनाएँ भी दी जाती हैं, तो वो सब क्या होती है, हमारी सूचना होती है। इससे क्या होता है, सिर्फ एक इसमें लिखा जाता है, उसके बाद सिर्फ एक लिखते हैं और बाकी लोगों तक पहुंचा देते हैं। कैसे, प्रिंट करवा सकते हैं, या तो आजकल तो बहुत ज़्यादा टाइम है सोशल मीडिया का, हम उससे भी सूचना लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद है, छात्राओं को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती है। अब क्या होता है, आप लोग स्कूल जाते हो ना, आपकी नोटबोर्ड जो होती है नोटिस बोर्ड, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी सूचना आपको वहाँ से मिलती है हर चीज़ की ना, अगर ये चीज़ होने वाली है या फिर ये फेस्टिवल है इसके ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी भी सूचना आपको दिया जाता है, या फिर ये कॉम्पिटिशन होने वाली है, यहाँ राइटिंग कॉम्पिटिशन होने वाली है, तो आपको क्या होता है उसकी सूचना लिख के बताई जाती कि यहाँ हो रहा है, इस टाइम पर हो रहा है, आप आइएगा, पार्टिसिपेट करिए। इस तरह से काफ़ी सारी सूचनाएँ मिलती है हमें स्कूल्स में भी। उसके बाद है, यहाँ सूचनाएं प्रायः ऐसे स्थान पर लिखी जाती है जहाँ लोगों द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सके। सूचनाएं क्या होती है, मैं अगर मुझे कुछ सूचना देना है, मैं अपने रूम में लिख के नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि वहाँ लोग नहीं देखेंगे, मुझे सूचना सब तक पहुँचानी हर लोगों तक, तो मैं ऐसी जगह पर लिखूँगी जहाँ सारे लोगों की नज़र भी पड़े और वो लोग पढ़ भी पाए। तो इसलिए जब आपको सूचना लिखना होगा ना, तो आपको एकदम आसान भाषा में लिखना होगा, मतलब सरल शब्दों में लिखना होगा ताकि लोग पढ़ के समझे भी उसे। तो अगर आप जब भी सूचना लिख रहे हो तो उसे एकदम ईजी तरीके से लिखो ताकि सामने वाला इंसान समझ पाए, सूचना लेखन का यही होता है। अब आपके क्या स्कूल्स में आप देखे होगे तो वहाँ क्या होता है कि नोटिस बोर्ड में रखती, क्यों, क्योंकि वहाँ हर लोगों की नज़र पड़ती, टीचर्स की, स्टूडेंट की, वहाँ जितने लोग आएंगे, अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो वहाँ उसकी नज़र पड़ेगी क्योंकि वो नोटिस बोर्ड रहता है ना, तो वहाँ हर सबका नज़र जाती है देखने के लिए। हम भी कई बार क्या करते हैं, वहाँ देखते हैं कि नोटिस बोर्ड, क्या पता कोई नोटिस आई हो, मतलब वो क्या रहता है, एक सूचना ही तो रहता है। तो इसके बाद यहाँ है, इन्हें कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों की मुख्य द्वार पर या प्रायः कॉलोनी के सूचना पट्टों पर लिखी मिल जाती है। अब क्या होता है, ये कहीं कॉलोनी होती है ना, अगर आप कोई कॉलोनी में रह रहे हो या फिर कोई फ्लैट है आपकी, सोसाइटी है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ की भी बोर्ड में आपको लिखी हुई मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ क्या, तो आपको इस तरह से भी नोटिस के पानी बंद हो रही है या फिर कुछ भी रहती है, तो इस तरह से सूचना में पहले दी जाती है, ठीक है, किसके माध्यम से, हमें वही सूचना मतलब लिख कर मिलती है। तो सूचना का जो अर्थ रहता है ना, उसका मतलब ये है कि लोगों तक जानकारी पहुंचाना, मतलब कोई चीज़ की सूचना देना, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसकी सूचना दे दो, तो इस तरह से सूचना लेखन का यही काम होता है। अब हम क्या देखेंगे कि सूचना लेखन के कारण क्या है, अब तो हम समझ गए कि सूचना लेखन क्या होता है, अब उसके पीछे हम देखेंगे कि उसका लिखने का क्या कारण है। तो चलिए देख लेते हैं कि उसका लिखने का कारण क्या है। तो संदेश लेखन के कारण, आप इसे संदेश या फिर सूचना दोनों कह सकते हैं, औपचारिक। अनौपचारिक क्या है, मतलब आप वैसी सूचना, हम पत्र लिखते हैं ना,
पत्र में क्या रहता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, आप छुट्टी के लिए मांगते हो अपने स्कूल्स में ना, छुट्टी के लिए पत्र लिखते हो, तो उसमें क्या रहता है आप मांगते हो कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए या फिर आप अब्सेंट थे इतने दिन, तो आपको इस तरह से लिखते हो। पत्र में भी क्या होता है, एक अनौपचारिक रहता है और एक रहता है औपचारिक। अनौपचारिक पत्र में क्या रहता है, जैसे आप लिखते हो ना कि ये पत्र किसको देते, सिर्फ हम अपने रिलेटिव्स को देते, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गए, इन लोगों तक ही देते। तो ये जो है ना संदेश लेखन, वो भी दो प्रकार का होता है, वही सेम है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक। अनौपचारिक क्या है, जो सूचना हम अपने फ्रेंड्स को देते, जैसे अगर आपकी बर्थडे पार्टी है तो आप अपने फ्रेंड्स को दोगे, रिलेटिव्स को दोगे, और किसे दोगे, अपने फैमिली मेम्बर को दोगे जो आपकी फैमिली मेम्बर है, तो वो किस में आएगा, हमारा अनौपचारिक में। और औपचारिक में क्या होगा, जो आपको सरकार से मिले, सरकारी ऑफिस से मिले, जो सरकार की तरफ से मिले, तो वो क्या होता हमारा, वो होता हमारा औपचारिक। तो आजकल क्या हो गया, आजकल जब से सोशल मीडिया का ज़माना हुआ, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पे हमें सूचना मिलती रहती, कोई भी चीज़ होता है तो आजकल क्या होता है व्हाट्सएप कर दिया जाता है, या फिर आपको मिल जाएगा ट्विटर में, मिल जाएगा हर जगह आपको मिल जाती है। तो सूचना लेखन के सिर्फ दो कारण, एक ये रहता है अनौपचारिक और दूसरा रहता है औपचारिक। ये जो रहता है ना औपचारिक, इसे ज़्यादातर नेता और अभिनेता लोग यूज़ करते हैं देने के लिए, उनका क्या किस में आता है, उनका आता है औपचारिक में। और हम जो देते हैं सूचना एक दूसरे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर को, तो वो होता है हमारा अनौपचारिक। तो आज का जो हमारा विषय था संदेश लेखन, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि संदेश लेखन है क्या, संदेश लेखन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम देखें संदेश लेखन के क्या कारण। तो इसके सिर्फ दो कारण होते हैं, ये हमें समझ लेना है, अनौपचारिक और औपचारिक। तो बस ये दो ही होते हैं। इसके अगले आने वाले विषय में हम पढ़ेंगे कि संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं। अब जब हम ये जानें तो उसके कई प्रकार भी होते होंगे ना, किस किस तरह से सूचना देना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन है ना, कोई एक नहीं दिया जो कोई भी टॉपिक दे सकता है जिसमें आपको सूचना देना होगा लोगों तक, तो आप उसे कैसे लिखोगे जब आपको प्रकार उसके पता रहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सूचना लेखन किस तरह से करना चाहिए, और उसके कुछ उदाहरण भी आप लोगों को बताऊंगी ताकि और आसानी से आप समझें। तो आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।